हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द एक्सरसाइज. अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ. हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल. 250 यूनिट्स एक घर की कंज्यूम हुई है, तो जूल में ये एनर्जी कितनी होगी. सबसे पहले कमर्शियल यूनिट. कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आर में. 250 यूनिट्स बोला गया है, मतलब इट इज़ 250 किलोवाट आर. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्टली 1 किलोवाट आर इज 1000 वाट. एक आर में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड. तो ये आपके पास आ गया 66 आर 36. 3 जीरोज़ हेयर हेयर एंड 2 जीरोज़ आर हेयर. सो देर आर टोटल 5 जीरोज़. नाउ वॉट सेकेंड मीन्स दिस इज़ इन जूल. अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितने प्लेस जाना होगा. 5 प्लेस ये है और 6 यहाँ पे पहुँचाना है हमें डेसिमल को. डेसिमल यहाँ है, यहाँ से हमें सीधा यहाँ जाना है. सो वी कैन राइट 3.6 × 10⁻⁶ जूल. सो इससे हमें पता चल गया कि 1 किलोवाट आर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल. ना हाउस होल्ड में जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 250 यूनिट्स, मींस 250 किलोवाट आर. नाउ वी ऑलरेडी नो व्हाट इज 1 किलोवाट आर. वी विल पुट द वैल्यू हेयर एंड दिस विल 3.6 × 10⁻⁶ जूल. अब कर देते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 250 को 3.6 से. यह आ जाएगा हमारे पास 900 × 10⁻⁶ जूल. अब टू प्लेस और ऐड हो जाएंगे, दैट विल गिव यू 10⁸ जूल. सो एक मंथ में हाउस होल्ड में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁸ जूल. सिमिलरली पावर पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल है. एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज रेटेड 1500 वॉट. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स. 10 घंटों में ये कितनी एनर्जी यूज़ करेगा. सो पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला पावर का. पावर इज रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम. अब यहाँ पे हमसे पूछी गई है एनर्जी. एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर. सो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी. एनर्जी कंज्यूम्ड मीन्स पावर इंटू टाइम. सो यहाँ पे आपको पावर दी गई है 1500 वॉट और टाइम दिया है 10 आवर्स. अब आवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में. ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड. ये हो गया आपका कन्वर्ट. अब मल्टीप्लाई कर लीजिए. यहाँ पे 10 × 66 आर 36. ये आगे आपके पास वॉट सेकंड हो जाता है जूल के बराबर. तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 से. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 36 से. आपके पास आ जाएगा 540. और ये हो गया आपके पास 2 जीरोज आर हेयर, 2 जीरोज आर हेयर. टोटल हो गई हमारे पास 10⁻⁵. अब डेसिमल को आपको यहाँ पहुँचाना है. देन 5.4 × 10⁻⁷ जूल. सो इसी तरह के कुछ इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. आपको बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए एंड यू कैन ईजिली रीच द सॉल्यूशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.